नमस्कार, सिटी वैम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रीति चंद्रा लेकर आई हूँ सहारनपुर की खास खबरें। इस समय जब हमारा देश एक भयंकर महामारी से ग्रसित है, तब प्रशासन द्वारा जरूरतमंदों की सहायता के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन हर तरह से हर व्यक्ति का सहयोग भी कर रही है। आवश्यकता है तो जनता के लिए जनता के सहयोग की पूरी खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि शहर की खास खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस संकट के समय प्रशासन एक दोस्त की तरह हर व्यक्ति की सहायता के लिए खड़ा है। इस समय पर प्रशासन की कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे तथा हर व्यक्ति की हर संभव आवश्यकता पूरी की जा सके, जिसके लिए स्वयं डीएम, एसएसपी व जिला न्यायाधीश द्वारा संयुक्त रूप से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जरूरतमंदों को राशन की सामग्री उपलब्ध कराई गई। वे कोरोना से प्रभावित गरीब व असहाय लोगों को 300 पैकेट खाद्य सामग्री वितरित कर लोगों से मास्क पहनने व अपने घरों में रहने की अपील की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज एसडी राजीव सरन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जनपद न्यायाधीश ने 200 पैकेट खाद्य सामग्री नगर आयुक्त को व 100 पैकेट पुलिस प्रशासन को वितरित करने के लिए जिला प्रशासन को सौंपे। जनपद पुलिस द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर की गई कार्रवाई, सुनिए एसएसपी की जुबानी। थाना मंडी क्षेत्र में 11 तमिलनाडु के जमातियों को क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है तो भेजा जा रहा है। और ये जहाँ पे रुके हुए थे पहले से, एसओ मंडी को इन्फॉर्मेशन था, इनको पहले से मेडिकल कराया गया था, बट इनको उस मस्जिद में भी क्वारंटाइन में रखा गया था। बट अभी क्योंकि 1 मार्च के बाद जो भी जमात गए हैं उनमें से काफ़ी लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो इसलिए इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखने की निर्णय लिया गया था। इसको तत्काल इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में शिफ्ट किया जा रहा है। इसमें कुछ लोगों का गलत फहमी में है कि इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इनको गिरफ्तारी नहीं है, इनको इलाज है तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भेजा जा रहा है। इनका सैंपल्स लिए जाएंगे और ये कोविड के लिए टेस्ट होगा, बाकी जैसे रिजल्ट होगा उसके आधार पर उनकी इलाज होगी। इसमें कोई किसी को डरने की या कि गिरफ्तारी की बात को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं। इसी बीच रामपुर मनिहारन में जिम्मेदार लोग व धर्म गुरुओं को कोरोना वायरस के प्रति सजग करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। महामारी से बचने में लोगों को सजग करने के लिए प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मंगलवार को रामपुर मनिहारन के कोतवाली परिसर में आयोजित बैठक में एसडीएम एसएन शर्मा, कोतवाली प्रभारी छोटे सिंह ने कहा कि देश में कोरोना वायरस की महामारी के दौरान जागरूक लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। लॉकडाउन का 100% पालन कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन भी पुरजोर से लगा है, लेकिन समाज में जिम्मेदार विभिन्न धर्म गुरुओं से अपील करते हुए कहा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि में आने वाले लोगों को घर में रहकर पूजा इबादत करने के लिए प्रेरित करें। लोगों को लॉकडाउन का पालन करने व सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए जागरूक कर दिए जा रहे हैं आवश्यक निर्देश। मंगलवार को रामपुर मनिहारन के कोतवाली परिसर में सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए क्षेत्र के सभी चौकीदारों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क वितरित किए गए तथा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक छोटे सिंह ने चौकीदारों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अपने अपने क्षेत्र में मुनादी कर लोगों को लॉकडाउन का पालन व सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए जागरूक करें। यदि कोई भी झूठी अफवाह फैलाने का प्रयास करता है तो तत्काल उसकी सूचना पुलिस में दे। उन्होंने कहा कि यदि उनके क्षेत्र में कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो उसकी जानकारी भी पुलिस को दे। वायरस के चलते नगर निगम द्वारा जनपद के सभी इलाकों में सैनिटाइज किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है व बचाव हेतु अनेक उपाय सावधानियां की जा रही है, जिसमें नगर निगम द्वारा जनपद के सभी इलाकों में सैनिटाइज किया जा रहा है। मेयर संजीव वाला के निर्देशानुसार आज सुबह शारदा नगर के सेक्टर 14 के पार्षद कुशल पठानिया द्वारा भी वार्ड की सभी गलियों में सैनिटाइज किया गया। साथ ही मेयर संजीव वालिया ने जनता से अपने अपने घरों में रहने की अपील भी की। न्यायिक अधिकारीगण व बार एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से कोरोना वायरस के इस बुरे समय में जरूरतमंदों व भूखे असहाय लोगों को राशन वितरित कर मदद के लिए हाथ बढ़ाया। अब आपको सुनाते हैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान ने क्या कहा। मैं सब जो आज गरीबों को राशन बांटा गया है, इस बारे में जनता को क्या अपील करना चाहेंगे और देश के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश इस समय बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है और जो कोरोना वायरस की महामारी है पूरे देश में फैली हुई है, और हमारे देश एक कृषि प्रधान देश तो रहा ही है लेकिन यहाँ मजदूर तबका भी बहुत है। प्रयास ये होना चाहिए सभी स्तर पर, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या दूसरे अन्य व्यक्ति हों, कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, उसे खाना मिले और उचित मात्रा में उसके खाने का प्रबंध हो,
इसी परिप्रेक्ष्य में आज न्यायिक अधिकारीगण एवं बार एसोसिएशन के कुछ सदस्यों के द्वारा जो पैकेट दिए गए हैं उन पैकेटों का वितरण हमारे द्वारा यहाँ किया गया है और कुछ पैकेट हमारे द्वारा नगर निगम को दिए गए हैं कि ताकि दुखी झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्तियों को और जिन्हें आवश्यकता भोजन की है उन तक इस राशन को भिजवाना की व्यवस्था नगर निगम के पदाधिकारीगण करें। और हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि सभी न्यायिक अधिकारीगण के साथ मिलकर के बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों के साथ मिलकर के इस व्यवस्था को हम जब तक लॉकडाउन की स्थिति है उस लॉकडाउन की स्थिति तक हम इसको कंटिन्यू रखें।